You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of. समर का सीजन हो, मानसून का सीजन हो या फिर विंटर का सीजन हो, इन तीनों ही सीजन में हमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है. क्यों? क्योंकि ये तीनों सीजन भी अलग अलग हैं. जैसे समर में हमें गर्मी लगती है, मानसून में ह्यूमिडिटी होती है और विंटर में हमें ठंडी लगती है. जैसे कि मैंने अभी अपनी मोटी स्वेटर पहना है क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना वहाँ ठंड सबसे जल्दी पहुँचती है. तो आप लोगों के एरिया में ठंड पहुँची है कि नहीं, जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ. तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि हर तरह के सीजन में हर तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो प्रॉब्लम हमें समर के सीजन में हो रही है वो प्रॉब्लम हमें विंटर के सीजन में नहीं होती है, थैंक गॉड. लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी है जो हमें हर सीजन में होती है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है ना कि उस प्रॉब्लम का एक सीजन ही होना चाहिए. वेल, अगर आप लोगों ने गेस कर लिया है तो इसको आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो. और जिन जिन लोगों ने गेस नहीं कर पाए हो, जो लोग गेस नहीं कर पाए हो, उन लोगों से मैं बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हेयर फॉल के बारे में, जो कि हर सीज़न में होता है. गर्मियों के सीज़न में भी होता है, सर्दियों के सीज़न में भी होता है, मानसून में भी होता है. और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि बढ़ते बढ़ते बढ़ती ही जा रही है. हम कितना भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ कर लें, कितने भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवा लें, इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें नहीं मिल रहा है. तो आज आप सबसे इस वीडियो में मैं दो पार्ट में बात करूंगी. पहले पार्ट में मैं ये बात करूंगी कि आपको हर सीज़न में हेयर फॉल क्यों होता है और उस चीज़ को आप सबसाइड कैसे कर सकते हो. और दूसरे पार्ट में आप सबके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ईजी रेमेडी, जिसे यूज़ करके आप अपने बालों की जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उससे काफ़ी अच्छा सुधार ला सकते हो, अगर जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से आप सबने यूज़ किया. तो पार्ट वन एंड पार्ट टू की तरफ बढ़ने से पहले आप सबका वेलकम करना बहुत ज़रूरी है. तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, डायमंड फ्लिंग्स, एंड वेलकम टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स एंड फैमिली आउट देयर. उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं, अपने बारे में अच्छा अच्छा सोच रहे हैं और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अपनी जान पहचान करवा देती हूँ. हाय, मैं हूँ अफशा सिद्दीकी और मैं ही हूँ वो लड़की जो बनाती ऐसी वीडियो जिससे आप सबके स्किन, हेयर, बॉडी सब कुछ क्लीन हेल्दी रहते हैं. ऑल्सो मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी वीडियो में वो सारी की सारी होम रेमेडी जिसने मुझे टॉप के रिजल्ट दिए हैं, जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रहती है, जिसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते. तो आज आप सबसे मैं दो पार्ट में बात करूंगी. पहले पार्ट में आप सबके साथ शेयर करूंगी हर सीजन में आपको हेयर फॉल क्यों होता है, एंड दूसरे पार्ट में आपको सोल्यूशन दे दूंगी. और तीसरा पार्ट ये है कि आप लोग दोनों पार्ट में से कंक्लूजन अगर निकाल लिया दोनों को मिला के, तो आप अपने बालों को एक भी बाल को गिरने से बहुत ईजी वे में रोक सकते हो. पहले पार्ट को आप सबके साथ शेयर करने के लिए मुझे कहीं भी शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से बैठे बैठे आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ. एक्चुअली में क्या होता है ना कि हम लोगों के जो बाल होते हैं, एक छोटी सी चीज़ को अगर आपने समझ लिया ना तो आपके बाल फिर कभी भी नहीं झड़ने वाले हैं. एक्चुअली में हम लोगों के जो हेयर है, हम लोग के जो बाल हैं, वो हम लोग कहीं भी निकाल के रख नहीं सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी से जुड़े हुए हैं और हम इनको कहीं भी निकाल के नहीं रख सकते हैं. उस तरीके से अगर हम अपनी बॉडी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो वो हमारे बालों पर असर करता है. जैसे कि अगर हमने कुछ बहुत ज़्यादा ऊट पटांग खाया, या फिर हमने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, हमने अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान नहीं रखा, तो उसका पूरा पूरा असर हमारे बालों पे होता है. ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल बात है जो अगर आप लोग समझ लो और इस चीज़ को अगर आपने ठीक कर लिया स्टेप बाय स्टेप, तो आपके 80% हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जानी है. अब 80% हेयर की प्रॉब्लम क्यों शॉर्ट होगी, 20% क्यों नहीं? क्योंकि कुछ लोग मेडिकेटेड होते हैं, कुछ लोग की मेडिकल कंडीशन होती है, कुछ के जेनेटिक की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उससे भी आप ठीक कर सकते हो. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर हाल में बहुत हैवी डोज में मेडिकल, मतलब बहुत हैवी डोज में उनकी दवाइयाँ चल रही होती हैं जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल हो रहा होता है. तो पहले उस चीज़ को सेट करना है, उसके बाद जाके आप अपने हेयर फॉल को ठीक करने पे आओगे. यानी कि हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है, और अगर आपने स्टेप बाय स्टेप कर लिया तो 110% आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी. अब बढ़ते हैं पार्ट टू की तरफ, जिसमें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी एक दुनिया की इतनी ज़्यादा इजी होम रेमेडी जिसे यूज़ कर सकते हो आप. और मुझे तो ये लगता है कि लोग किस किस हर्ब्स के पीछे भागते हैं, और जो हर्ब्स एक्चुअल के हमारे होते हैं, जो कि यहाँ इंडिया के होते हैं, उस हर्ब्स को हम फेंक देते हैं. और ऐसे ही एक हर्ब्स से आज मैंने बनाया है आपके लिए, बालों के लिए सोल्यूशन, जिसे आप यूज़ कर सकते हो और यूज़ करके अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रोक सकते हो.
और उस रेमेडी को आप सबके साथ शेयर करने के लिए मुझे अब थोड़ा सा इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप सब देख सको कि मैं आप सबके साथ कौन सी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ। बालों का इतना ज़्यादा ख्याल रखने के बाद भी जब हमारे बाल गिर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम इंटरनली है, एक्सटर्नली नहीं। लेकिन अगर हम इंटरनली भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं फिर भी हमारे बाल नहीं गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें अब अपने बालों में कुछ बहुत अच्छा अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ऐसा ही एक सोल्यूशन है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस सोल्यूशन को बनाने के लिए आप पहले ये चीज़ समझ लो कि इस टाइम चल रहे हैं विंटर, और इस विंटर के सीज़न की ही चीज़ हमें अपने बालों पे अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ही वो बहुत अच्छे से असर करेगी। अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ गुआवा लीव्स, जो कि हम फेंक देते हैं। यस गाइस, गुआवा लीव्स को हम सब फेंक देते हैं। और जब भी आप इसे लोगे ना, आप देखो जितने भी गुआवा अमरूद जिसे कहते हैं इधर की, मैं तो इसे अमरूद के नाम से जानती हूँ, आप लोग इसे किस किस नाम से जानते हो? आप लोग कभी, आप लोग के भी एरिया में इसे जो भी कहा जाता होगा, लेकिन मैं इसे अमरूद के नाम से जानती हूँ। ये गुआवा लीव्स है और इस लीव्स को फेंक दिया जाता है नथिंग समझ के, लेकिन इस लीव्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके हेयर फॉल की और प्लस आपके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। अब आप ये तो समझ गए हो कि विंटर के सीज़न में ही गुआवा आता है, अमरूद आता है, और विंटर के सीज़न में हमें इसको खाना भी चाहिए ताकि हमें अंदर से भी इसके बेनिफिट्स मिले और ऊपर से भी हमें इसके बेनिफिट्स मिले। अब देखो क्या करना है, आपको एक मुट्ठी भर के गुआवा लीव्स लेने हैं और उस गुआवा लीव्स को अच्छे से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपको इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। अब आपको क्या डालना है, अब आपको विटामिन सी का, जो आप उसे दादा परदादा कुछ भी कह सकते हो, विटामिन सी का बाप जिसे कहते हैं, वो होता है हमारा ये आंवला। आंवला जो कि हमारे बालों की सारी प्रॉब्लम को यूं करके हटाने का दम रखता है, और इस आंवले को भी आपको इस मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। दोनों चीज़ को अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के आप मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर लो। उसके बाद आप एक छन्नी की हेल्प से इसे छान लो। अब आपको जो सोल्यूशन मिलेगा उसको आपको अपने पूरे बाल में, पूरी स्कैल्प पे अच्छे से लगाना है, और सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट के लिए इसको अपने बालों पे अप्लाई करना है। उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू से धो सकते हो। तो जब तक मैं इसे अप्लाई करूँ थोड़े से इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। देखो गुआवा लीव्स में ना एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो कि आपकी जो स्कैल्प है उसे इन्फेक्शन से बचाती है, और इन्फेक्शन से बचा के आपकी स्कैल्प को क्लीन रखती है। प्लस आपके बाल में अगर बहुत ऑयल आता है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो उससे वो क्लीन रखती है। और जिन जिन लोगों की स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो उनका पीएच बैलेंस रखता है। गुआवा लीव्स में अनबिलीवेबल प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपके बालों को क्योर कर सकता है। और अगर आप इसे खाते भी हो, या क्योंकि ये एक सीज़न का फ्रूट है, तो इसे आप खाओ भी और इसकी पत्तियों को अपने बालों में लगाओ भी, तो आप देखो कि आपके बालों में क्या कमाल आता है और आपके बाल क्या से क्या बन जाते हैं। विटामिन सी का खजाना है आंवला। विटामिन सी अगर आपके बॉडी में अच्छी क्वांटिटी में है तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने वाली है, क्योंकि विटामिन सी हमारे बालों की जितने भी ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकआउट हो रहा होता है, स्प्लिट इन वगैरह, उन सबको रिकवर करता है, रिपेयर कर देता है हमारे बालों को। तो जिन जिन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें हेयर फॉल हो रही होती है वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देता है, तो हमें कोई भी अदर प्रॉब्लम भी हमारे बालों में नहीं हो रही होती है। एक्चुअली में जिस सीज़न में हम रह रहे होते हैं ना, हमें उस सीज़न की चीज़ों को खाना भी चाहिए और उस सीज़न से जुड़ी हुई चीज़ों को अपने बालों पे, फेस पे अप्लाई भी करते रहना चाहिए। तो उसके बेनिफिट्स अनबिलीवेबल होते हैं, उसके बेनिफिट्स फिर कमाल के होते हैं और 100% वाले रिजल्ट होते हैं। फिर उसका कोई भी ये नहीं होता कि इसमें किसी भी तरह का चांस है कि ये आपके ऊपर काम नहीं करेगा। और आंवले के बारे में तो किससे नहीं पता, इतना फेमस, इतना ज़्यादा पॉपुलर है ये इंग्रेडिएंट्स हमारे बालों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। इसकी चटनी बना के खाओ, इसको खाओ भी, प्लस इसके रस को आप अपने बालों में लगाओ भी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ये हम लोगों के हेल्थ के लिए भी और हम सबके स्किन केयर और हेयर केयर के लिए भी। तो बस इसे लगा लो 10 से 15 मिनट के लिए, बाद अपने माइल्ड शैम्पू से इसे वॉश कर लो और उसके बाद देखो फिर आपके बाल। अब जब तक आपके ये विंटर का सीज़न चल रहा है ना, तो तब तक आप ये वाला सॉल्यूशन अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हो। ये आपके बालों में से डैंड्रफ को भी हटाता है। जब सारी प्रॉब्लम हट जाएगी तो आपके बाल बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, प्लस आप इसे टाइम टू टाइम खाते भी रहोगे तो इसके और अच्छे बेनिफिट्स रहेंगे।
एक्चुअली में क्या होता है ना कि हम जहाँ से बिलोंग कर रहे होते हैं वहाँ की चीज़ें ही हमें यूज़ करना चाहिए, वो ही हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं और वो ही हमें बेस्ट रिजल्ट देती हैं। प्लस सीजन के अकॉर्डिंग रहोगे तो आपको लेस प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा, और अगर आप सीजन के खिलाफ जाओगे तो आपको मोर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, वो आपकी स्किन से रिलेटेड हो या फिर आपके हेयर से रिलेटेड हो। तो देखा कितना इजी था, अगर आपने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को मिलाकर एक कंक्लूजन निकाल लिया है और अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो तो 110% आपके बालों की जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी और दोबारा लौट कर नहीं आएगी। और इतने इजी सॉल्यूशन, वो भी ज़ीरो कॉस्ट के सॉल्यूशन को अगर आप अपने बालों में लगाते हो और वो आपको ऐसा रिजल्ट देता है जो कि महंगे से महंगा पार्लर का ट्रीटमेंट भी आपके बालों में नहीं दे सकता है। इसने मेरे बालों को इतना अच्छा किया है ना, मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया भी होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे सीज़न से भी बिलोंग कर रही है और हमारे रीज़न से भी बिलोंग कर रही है, तो इसलिए तो ये हमें बेहतरीन रिजल्ट्स देनी ही देने वाली थी। अच्छा लगा हो मुझसे बात करना, मेरी बातें सुनना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मुझसे दोबारा मुलाकात करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो कि हर सीज़न में हेयर फॉल का सामना कर रहा है, जिसके लिए महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो फटाफट से उसको ये वीडियो शेयर करो ताकि दोनों पार्ट को मिला के वो भी कंक्लूजन निकाल सके और अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। और अगर आप लोग भी हर सीज़न में हेयर फॉल का सामना कर रहे हो, प्लस आपको अगर थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ में आई हो, तो कमेंट सेक्शन में आप उसे शेयर कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।